नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार कितनी बड़ी तारीफ किसी ने नहीं की होगी, जितनी बड़ी तारीफ आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समाजवाद पर सवाल पूछा गया ANIK के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जो जिसका प्रसारण देश भर में हो रहा है, और उसमें सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि असली समाजवादी नीतीश कुमार है। दरअसल इस वक्त एक अलग तरह का राग अलापा जा रहा है, खुद को समाजवादी बता करके उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट बैंक की राजनीति जो है वो की जा रही है, और ये आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। कहा है कि जो अपने आप को असल में समाजवादी कहते हैं वो तो परिवारवादी हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर बिहार की RJD, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी समेत कई ऐसी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला, और कहा कि ये लोग ही देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रतिभा का सम्मान नहीं है, सम्मान सिर्फ परिवार का है। सम्मान इस बात का है कि परिवार बचना चाहिए, पार्टी बचे ना बचे, देश बचे ना बचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि कहाँ नजर आता है लोहिया का परिवार, कहाँ नजर आता है जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार, और कहाँ नजर आता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार। जो लोग खुद को समाजवादी कह करके अपनी बात देश और दुनिया भर में ढिंढोरा पीट कर कहते हैं, उनको इन लोगों से सीखना चाहिए कि लंबी राजनीति के बाद भी इनके परिवार का कोई भी जो है वो राजनीति में नहीं है, और ये असल में समाजवाद है। नीतीश कुमार की इस तारीफ में कई मतलब हैं। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से खबर ये सामने आ रही है कि जो जदयू और BJP है उसके बीच में कई मुद्दों को लेकर एक तरीके से तनातनी का माहौल है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में अब बड़ी खबर तो यही सामने आ रही है कि बिहार में भले ही ये दिखाने की कोशिश हो रही हो कि NDA में ऑल इज वेल, खास करके BJP और जदयू में नहीं है, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही कह दिया है नीतीश कुमार की तारीफ में। इसका मतलब ये है कि तमाम तरह के अटकलों पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार ही एकमात्र सर्वस्वीकार नेता है NDA के अंदर में, और वो उन्हीं की अगुवाई में सरकार चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू में जो बातें हैं उसका मतलब यही है कि उन्होंने किसी एक, क्योंकि लोहिया या फिर जॉर्ज फर्नांडिस दिवंगत हो चुके हैं, मौजूदा सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, लालू यादव जो है, हेमंत सोरेन जैसे चेहरे जो हैं वो अपने आप को समाजवादी परिवार या समाजवाद की उपज बताते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और नीतीश कुमार की तारीफ में उन्होंने साफ कहा है कि इनका परिवार कहाँ नजर आता है, इन्होंने राज्य को सर्वोपरि माना, उनकी उसके विकास को माना, लेकिन कुछ लोग तो परिवार के विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस इंटरव्यू में एक जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश से जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको किसी ने चिट्ठी भेजी समाजवादी पार्टी को लेकर के। उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र था कि उनके परिवार के कुल 45 ऐसे लोग हैं जो लाभ के विभिन्न पदों पर थे, यानी कि किसी कोई आयोग का अध्यक्ष था, कोई MLC था, कोई MLA था, कोई सांसद था, कोई राज्यसभा में था। इस तरह की चिट्ठी का के बारे में कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे कहते हैं कि जब उन्होंने इसके बारे में पता किया तो ये पता चला कि उनके परिवार में कोई ऐसा बचा नहीं है जो चुनाव लड़ने के योग्य हो और चुनाव लड़ा नहीं हो, यानी कि इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। परिवार बचाने की राजनीति करते हैं ये लोग, इसलिए ये लोग समाजवादी की जगह परिवारवादी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में जो शब्द गढ़े वो ये कहा कि क्योंकि सदके समाजवाद जो है उसकी उपज में कई नेता हैं जो कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबा कार्यकाल राजनीति का देखा है उन्होंने, लेकिन आरोप तो लगते ही रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन पर कोई आरोप नहीं लगा, और असल में जो समाजवाद की परिभाषा है उन लोगों ने परिभाषित की, और इसी पर अब बिहार की राजनीति जो है गर्माने वाली है, क्योंकि एक तरफ लालू यादव भी खुद को समाजवादी कहते हैं, और लालू यादव जो हैं अपने आप को लोहिया के आदर्शों पर या उनकी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर चलने की बात तो कहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बिना नाम लिए हुए जिस तरीके से पार्टियों को आड़े हाथ लिया गया उससे साफ जाहिर होता है कि इन पार्टियों में जो है समाजवाद के लिए कोई जगह नहीं है, असल जगह तो परिवारवाद की है। और क्योंकि अब जब RJD का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है पटना में,
कुछ घंटों के बाद तो उस अधिवेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है दिल्ली के अंदर से, और मैसेज ये है कि नीतीश कुमार असली समाजवादी हैं। दूसरी तरफ भले ही कुछ खटपट चल रही हो, लेकिन नीतीश कुमार ही सर्वस्वीकार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन तमाम खबरों के बीच में बड़ी खबर यही है कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर के एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो तारीफ की है, उसके बाद बिहार एनडीए में जो बवंडर नजर आ रहा था वो सब कुछ शांत हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।